प्रथम तहलका न्यूज। उन्होंने किया वो खतरे से खाली नहीं था, मेरी जान भी जा सकती थी। मेरे दो बच्चे ये कहाँ रहते सर, कहाँ से ये चाहते हैं सर, मेरे को न्याय दिलाए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए सर। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मेरे को बहुत परेशान करते हैं। कैमरे पर फूट फूट कर रोती ये महिला हरियाणा की सरकार से अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। आपको बता दें कि ये महिला जींद जिले की निवासी है, जिसे घर के बाहर काम करते समय कुछ बदमाश सरेआम गोली मार कर फरार हो गए थे। हालांकि घटना के एक दिन बाद ही महिला को रोहतक पीजीआई से छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी मिलने के बाद घर आते ही ये महिला अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी और कैमरे पर फूट फूट कर रोने भी लगी। देखिए कैसे भरे गले से ये महिला खुद को सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग कर रही है। सर, पुरानी रंजिश मेरे गांव में है। जैसे मैं गांव छोड़ के आई थी, उन्होंने मेरे साथ भी मारपीट किया था। कौन सा गांव आपका? मेरा गांव समान है। जैसे कि आपने बताया कि गांव से आई थी तो उन्होंने, हाँ जी, मैं गांव सामान से आई थी और उन्होंने भी मेरे को बहुत परेशान किया था सर। उन्होंने भी 13 लोगों ने मिलकर मुझे मारा था। मेरा घर, मेरी जमीन सब हथियार रखी है। 464 नंबर मुकदमा है, जो कि आज तक कोई भी मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ है। जो ये 13 लोग थे गांव के, इन्होंने मेरे को मारा था। 14 मेरे दांत तोड़ दिए थे और सिर फोड़ दिया था। ये ठोटी वाली हड्डी तक तोड़ दी थी। इन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। जो ये आपके ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ है, हाँ सर, क्या आप उससे भी जोड़कर देख रहे हैं इस मामले को? सर, हम तो आपको देख रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा भी बंदा कौन था। एक तो उन्होंने चेहरा छुपा रखा था, दोनों बंदे ने। एक इतने प्यार से बात कर रहे थे, वो मकान के लिए बात कर रहे हैं। हमें तो ये संकेत भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये जानलेवा हमला हो सकता है। तो वही, इस बारे में हमने सदर थाने के SHO दिनेश कुमार से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि महिला की शिकायत पर उनके दूसरे पति, उनके जेठ और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर ये जांच शुरू कर दी गई है। 3 साल से अमरेडी गांव में रह रही है, जिसके ऊपर कर दो अज्ञात व्यक्तियों ने, बाइक सवार थे, जो हेलमेट पहना हुआ था, उसके सिर में गोली मारकर भाग गए। जिसके संबंध में पूजा के दामाद विक्की सनोप जयदेव, जो जुरानी गांव का रहने वाला है, उसकी शिकायत पर दो अज्ञात व्यक्तियों तथा पूजा की जो पहले शादी हुई थी उसके जेठ राकेश व दूसरे पति अनिल के खिलाफ अभियोग दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो क्या कारण रहे हैं इसमें गोली मारने को समय है? अभी तक कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है किसने और कैसे मारी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। घटना CCTV वगैरह भी फुटेज सामने आई है इसकी? हाँ, घटना में CCTV फुटेज है उनके घर पे, और DVR का लॉक लगा हुआ है, उसको DVR का लॉक खुलवाकर CCTV। हरियाणा में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद है। आलम तो ये है कि अब तो दिन दहाड़े प्रदेश के किसी भी जिले में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हमेशा की तरह कार्रवाई करने का आश्वासन देती रह जाती है। प्रथम तहलका के लिए जींद से परवीन कुमार की रिपोर्ट।